सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह 8:30 बजे से हो रही है और आज तारीख जो है वो 29 है और दीपावली नज़दीक आ गई है। नज़दीक क्या, कल परसों से शुरू है दीपावली, 31 और 1 को है। तो ये रहा मेरा डस्टबिन और मैंने सुबह सुबह ही कर दी है सारे कमरे की सफाई और अब आ गई हूँ मैं गौशाला में, क्योंकि मुझे गौशाला की सफाई भी करनी है। काफ़ी दिन हो गए गौशाला की सफाई नहीं कर रखी है। अभी पशु बैठे हुए, इनको 9 बजे आदत है घास खाने की, तो अभी बैठे हुए, इनका टाइम नहीं हुआ, अभी 8:30 हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ना आज मैं घास को मिल गई, मैंने सुबह सुबह सारे कमरे की सफाई कर ली है क्योंकि घास काटना है मुझे खेतों में। तो मैं आज आपको खेतों का भी बताऊँगी और जो लहसुन लगा रखा है वो उसका भी, और जो हमारे खेत साफ करने हैं उसके भी बताऊंगी। तो पहले मुझे करनी है सुबह सुबह ही सफाई और फिर दिन को अगर टाइम लगा तो पोचे का भी निपटा ही दूँगी, क्योंकि आज 29 तारीख है, कल 30 है, परसों 31 है, 31 और 1 को है दीपावली। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली तो हमने मनानी नहीं है पर सफाई तो बनती है, सफाई तो पता क्या है बहाने से सफाई भी हो जाती है। और आजकल बाहर लगा दिया है हुआ है चूल्हा और चूल्हे के ऊपर भैंस के लिए दलिया शुरू हो गया है, और क्योंकि इसकी डिलीवरी का टाइम भी नज़दीक आ गया है तब इसके लिए दलिया शुरू कर दिया है पिछले 3-4 दिनों से। तो घास ढुलाई और कटाई का काम तो हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि इस बार हमने थोड़ा सा ही काटा है और थोड़ा सा ही ढो रखा है, बाकी हम काम देने वालों से लाएंगे तोड़ी, ठीक है। जो भी कमी बेसी रहेगी, ऐसे हमें 70-80 गड्ढी काटनी पड़ती थी घास की, पर इस बारी हमने ना 35-36 गड्ढी काटी है। और ये है मेरा यहाँ टोका करने के लिए घास, तो इसका टोका भी होगा अभी जल्दी जल्दी से होगा सारा काम। थोड़ा सा मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी और फिर मुझे पूरे गौशाला के इसमें पड़े हुए जाए काफ़ी दिन हो गए, मतलब जो इसमें 15-20 दिन के बाद या महीने बाद ना सफाई कर देती हूँ, और अभी महीना नहीं हुआ है, बहुत कम दिन हुए। पर पता क्या, दीपावली नज़दीक आ रही है तो हर एक जगह झाड़ू पोछा जहाँ जहाँ भी बनता है ना वहाँ वहाँ तो करना ही पड़ेगा। और ये रही हमारी, यहाँ पे गोबर की खाद भी बना रहे थे, बीच बीच में चला ही हुआ था काम, जैसे जैसे टाइम लगता है ना थोड़ा बहुत तो वैसे वैसे ही काम करते रहते। और अब मैं देखती हूँ भला पहले क्या करती हूँ, पहले मैं सोच रही हूँ ना टोका कर लेती हूँ, पशुओं को घास दे लेती हूँ बाहर, और उसके बाद जो फिर मुझे पूरे जाले आराम से निकाल देने हैं। और पशुओं का खाने का जो है वो भी ख़त्म हो ही चुका, देखो ना किस तरह के जाले बढ़ गए, ये देखो 10-15 दिन से टाइम ही नहीं लग रहा है झाड़ू लगाने का कहीं नहीं है ना। तो चलो, पंकज के पापा जी भी आज घर पर ही है, पूछती हूँ इनकी इनसे कि क्या काम करना है पहले, अगर टोका कर देना है ना तो ऐसा अभी को टोके का निपट जाना था, एक खलारा यहाँ से उठ जाना था। इसके लिए दलिया बन गया है, अब इसके लिए कंटिन्यू 2 महीने दलिया रहेगा, 1.5 महीना मतलब 45 दिन पहले लगा देते हैं और 45 दिन सोने के बाद जो है इसको दलिया चलता ही रहेगा, ठीक है। 3 महीने का जो है ये कंप्लीट करना पड़ता है, इससे हमारा पशु भी स्वस्थ रहता है और दूध भी भरपूर देता है ना, तब देते हैं इस दलिये को। और ये देखो किस तरह के जाले बढ़ गए, बहुत ज़्यादा जाले बढ़ गए हुए है ना, क्योंकि यहाँ पे काम भी ज़्यादा होता है, टोका भी होता है और बहुत सारा काम होता है, और गौशाला में से भी बहुत कम। और ये पंखे भी हमें निकाल देने, अब सर्दियों का मौसम आ गया है ना तो निकाल देना है अब इन दोनों को और फिर साफ़ करके रख देना है ये। बाकी ये काम देने वालों से हमने तूड़ी ला रखी थी पिछली बरसात में ना, 2 जिप्पे लाई थी तो 2 जिप्पे में से यही बची हुई है, ठीक है। और पशु वही है जो थे पीछे, तो घास तो उनको उतना ही चाहिए जितना हर साल चाहिए होता है। और कुछ हम डंडे की तूड़ी कर दी है, कुछ खरीद कर यहाँ पे रखे हुए है ना, कुछ डंडे भी खरीदे हैं और इस बारी घास नहीं खरीद रखा है, घास अपना ही था 35 गड्ढी इतनी भी थी। हाँ जी, के गए पता नहीं कहाँ चले गए। तो पहले मैं टोका ही कर लेती हूँ क्योंकि पापा जी पता नहीं कहाँ चले गए, वो चले गए शायद खेत में,
लहसुन देखने के लिए। और मैं कर लेती हूँ पहले टोका, पशुओं को दे लेती हूँ घास और जो भी बचा रहेगा उसको मैं कर दूँगी एक जगह इकट्ठा, क्योंकि ये खिलारा फिर यहाँ से उठ जाएगा तो मुझे सफाई करने में आसानी रहेगी। तो घास का टोका मैंने कर दिया है और अब मैं लग पड़ी हूँ अपना फेस कवर करके सफाई करने के लिए। और ये पंखे भी निकालने थे, चलो देखती हूँ जो भी होता है फटाफट से। पहले ना सफाई कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मेरी गौशाला के पूरे जाले जो है बिल्कुल साफ हो चुके हैं और मैंने पूरी काउ शेड कंप्लीट कर दी है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब ना साफ होगी और साफ बड़ी अच्छी लगती है। फिर अब देखती हूँ इन पंखे को, या तो इनको खोल देंगे या तो फिर मैं इनको यहीं पे पैक करूँगी। अब इनके लिए फिर बाद में सोचना होगा मुझे, अभी नहीं। तो इनको साफ भी करना है, अगर खोलना हो तो खोल देंगे, अगर यहीं पर पैक करना हो तो यहीं पर पैक कर देंगे। और बाहर भी चारों तरफ झाड़ू वगैरह लगा दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया है। और इस तरफ नहीं है इतने ज़्यादा जाले, इस तरफ नहीं करूँगी, जाले है इस तरफ। और सारे लगा दिया है झाड़ू। अब पशुओं का स्नान कराएंगे और हम दोनों जने। भैंस को मैं नहलाऊँगी और गाय को ये नहला देंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भूख भी लग गई है और 11:30 बजे का टाइम हो गया। सुबह 8:30-9 बजे से लगी हूँ मैं सफाई करने के लिए। चलाई में 2 मिनट। और जो मेरा सूट था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया, बाकी प्रेस वगैरह भी कर दिया है। और इन कपड़े में कर रखी है मैंने प्रेस, और ये है मेरा सूट हो गया कंप्लीट। अब देखूँ मैं इनमें गुम्बर लगने की नहीं लगने, तो ये पहनने के बाद लगेगा पता। और बहुत ज़्यादा फिसलन का कपड़ा होता है, बड़ी मुश्किल से इसको एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी इनको मैं बाद में पैक करूँगी फिर। और ये तो मेरी वर्दी है, और ये वाला जो सूट है इसके बाजू है आगे से थोड़े थोड़े टाइट, तो ये मुझे सिलाई खोलनी है इसकी, थोड़ी थोड़ी लूज करना है इसको। ये मैं बाद में करूँगी सारा काम, अभी पशुओं का काम कर लेते हैं और फिर शाम के टाइम जाएंगे। अब खेतों में घास भी काटेंगे, लहसुन का भी दिखाऊँगी, वो दिखाऊँगी अब शाम के टाइम, क्योंकि अभी हमें घर में ही काम करना है। और ये चल पड़ा है पानी, बोर वाला पानी, और पानी पीना है सवेला ना। और वृंदा को नई मुर्क लगा दी आज, तो ये ना समझ जो लगाई नहीं है। गौरी गई, चल जा भाई। वृंदा तो बड़ी सुंदर लग रही है इस मुर्क के साथ। इन पशुओं को ना रोज दौड़ने की आई रहती है। चला जा गौरी, परे बानो ऐसा सीधी आप ये रख ना तो टन चार हुई। देख 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 पी पानी ऐसे पी लो रहा प्यागा नहीं सी ये लग रहा घूमने चार्ज फेरे
तोड़ देनी है ना ये मूर्ख। लड़ाई लगी की लड़ाई क्या लगा उन्हें? तो घर का काम निपटाने के बाद हम आ गए खेतों में। आज आपको थोड़ा सा खेतों का वीडियो भी बताएंगे बड़े आराम आराम से। तो ये नीचे वाला खेत है, दोनों खेतों में लगाया है आधे आधे। तो नीचे वाला ये अपना बीज है और अपने बीज का तो कहना ही क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी वीडियो शेयर किया था, बताया था लहसुन के बारे में। और इसमें मैंने धनिया लगा रखा था, वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या वजह रही होगी। बीज भी अच्छा था देखने में, तो पता नहीं क्या है, दोबारा बीजूंगी मैं यहाँ पे। और इस तरफ है टमाटर, तो टमाटर में जैसे हमने पानी लगाया ना तो ये एकदम उठ गए हैं, हरे भरे होने लग गए हैं फिर से। दूसरा खेत है, यहाँ से शुरू होता है। तो पहले क्या रहा, मैं बिल्कुल कम कम हो गया, लहसुन अभी उग रहा है मतलब। तभी तो हम गुडाई नहीं कर रहे हैं कि अगर सारी पंखुड़ियाँ निकल जाती ना लहसुन की, तभी इसमें हल्की हल्की सी गुडाई करनी थी। और फिर ये जो हमने गोबर की खाद डाल रखी है ये भी मिट्टी में मिल जाएगी। पर पता क्या है, अभी मतलब छोटी छोटी पंखुड़ी आ रही है नीचे से, तभी नहीं हम गुडाई कर रहे हैं, तभी थोड़ा लेट भी हो रहे हैं। और जो हमने मूलियाँ लगा रखी थी वो कुछ खाद ही है, और जो बच गई है ना उसके पत्ते साग लायक होने वाले हैं। तो थोड़े दिनों के बाद मैं फिर साग भी बनाऊँगी। और देखो इस तरफ हो, इस तरफ नहीं है घास, एक साइड है, एक साइड पड़ा हुआ घास। तो जो घास पड़ा हुआ ना वो भी निकालना है, पर अभी इस तरफ है ये देखो, इस तरफ तीन चार क्यारे में इनमें कुछ ज़्यादा ही घास उग गया है, पता नहीं क्यों, क्या वजह रही होगी। तो चलो इसका कुछ नहीं है। और पीछे मैंने जो ब्लॉग डाला था ना, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के दिल खुश हो गया था। और जो आपने लहसुन के बारे में कमेंट किया था ना, अपना अपना सजेशन सभी ने दिया है और सभी ने मुझे मोटिवेट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और तो ये देखो, और इसमें बहुत ज़्यादा घास पड़ी है, चलो करेंगे इसकी गुडाई। बीच बीच में मूलियाँ बच गई है वो भी बता रही हूँ मैं, पर धनिया नहीं लगाया यहाँ पर क्योंकि जानवरों का बहुत आतंक है इस वाले खेत में, नीचे में, नीचे वाले खेत में कम जाते हैं। और ये देखो यहाँ से ओरली साइड को लहसुन है, परली साइड को अदरक है। तो अदरक तो ऐसे ही खाने लायक ही होगा, बाकी बीज बाज खत्म है इस बार अदरक का भी। और पता क्या, हम लापरवाही करते हैं, इसकी वजह से जो अदरक का बीज गया है, वैसे बीज बहुत अच्छा था। ये देखो तो यहाँ से पूरा खेत दिखाई देता है इस तरह से। और यही था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए, अपने अपना सजेशन देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।